तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी पूरे आन बान शान से आगे बढ़ा रही है। तेलुगु सिनेमा का दायरा सिर्फ उतना ही नहीं है जहां तेलुगु बोली जाती है, इसका विस्तार पूरे विश्व में है। सिल्वर स्क्रीन से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक इस क्रिएटिविटी की चर्चा छाई हुई है। भारत के बाहर भी खूब प्रशंसा हो रही है। तेलुगु भाषी लोगों का अपनी कला और अपनी संस्कृति के प्रति ये समर्पण सभी के लिए प्रेरणा समान है। कौन ऐसा भाग्यशाली होगा, कौन ऐसा हैदराबादी होगा जो सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि, सरदार पटेल का सामर्थ्य और हैदराबाद के आन बान शान के लिए सरदार साहब की कूटनीति को न जानता हो। आज देश में एक और सरदार साहब की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की शपथ दोहरा रही है, तो रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता का संदेश दे रही है। यही एक राष्ट्र के रूप में भारत की चीर पुरातन विशेषता है। हमारी एकता सत्ता या शक्ति की बुनियाद पर नहीं खड़ी होती, हमारी एकता समानता और समादर इस सूत्र से सृजित होती है। और साथियों, आज जब मैं तेलंगाना में हूं तो इस बात का जिक्र भी जरूर करूंगा कि कैसे तेलुगु कल्चर ने भारत की विविधता को सशक्त किया है। तेलुगु कल्चर की जड़ों का विस्तार सदियों में फैला हुआ है। अनेक महान राजा रानियां इसके ध्वज वाहक रहे हैं। सातवाहन हो, काकातिया हो या विजयनगर साम्राज्य, सभी ने तेलुगु संस्कृति की पताका को बुलंद किया। महान कवियों ने तेलुगु संस्कृति को समृद्ध किया है। पिछले वर्ष ही तेलंगाना में स्थित 13वीं शताब्दी के काकातिया रुद्रेश्वर रामाप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने पोचमपल्ली को भी भारत के सबसे बेहतरीन टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया है। पोचमपल्ली की महिलाओं का हुनर पोचमपल्ली साड़ियां के रूप में विश्व विख्यात है। ये वो संस्कृति है जिसने हमें हमेशा सद्भाव, भाईचारा और नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाया है। तेलुगु संस्कृति की इस गौरवशाली परंपरा को आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी पूरे आन बान शान से आगे बढ़ा रही है। तेलुगु सिनेमा का दायरा सिर्फ उतना ही नहीं है जहां तेलुगु बोली जाती है, इसका विस्तार पूरे विश्व में है। सिल्वर स्क्रीन से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक इस क्रिएटिविटी की चर्चा छाई हुई है। भारत के बाहर भी खूब प्रशंसा हो रही है। तेलुगु भाषी लोगों का अपनी कला और अपनी संस्कृति के प्रति ये समर्पण सभी के लिए प्रेरणा समान है। कौन ऐसा भाग्यशाली होगा, कौन ऐसा हैदराबादी होगा जो सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि, सरदार पटेल का सामर्थ्य और हैदराबाद के आन बान शान के लिए सरदार साहब की कूटनीति को न जानता हो। आज देश में एक और सरदार साहब की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की शपथ दोहरा रही है, तो रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता का संदेश दे रही है। यही एक राष्ट्र के रूप में भारत की चीर पुरातन विशेषता है।
हमारी एकता सत्ता या शक्ति की बुनियाद पर नहीं खड़ी होती। हमारी एकता समानता और समादर इस सूत्र से सृजित होती है। और साथियों, आज जब मैं तेलंगाना में हूं तो इस बात का जिक्र भी जरूर करूंगा कि कैसे तेलुगु कल्चर ने भारत की विविधता को सशक्त किया है। तेलुगु कल्चर की जड़ों का विस्तार सदियों में फैला हुआ है। अनेक महान राजा रानियां इसके ध्वज वाहक रहे हैं। सातवाहन हो, काकातिया हो या विजयनगर साम्राज्य, सभी ने तेलुगु संस्कृति की पताका को बुलंद किया। महान कवियों ने तेलुगु संस्कृति को समृद्ध किया है। पिछले वर्ष ही तेलंगाना में स्थित 13वीं शताब्दी के काकातिया रुद्रेश्वर रामाप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने पोचमपल्ली को भी भारत के सबसे बेहतरीन टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया है। पोचमपल्ली की महिलाओं का हुनर पोचमपल्ली साड़ियां के रूप में विश्व विख्यात है। ये वो संस्कृति है जिसने हमें हमेशा सद्भाव, भाईचारा और नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाया है। तेलुगु संस्कृति की इस गौरवशाली परंपरा को